डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का हिंदी बुक है, चैप्टर 17, और इस चैप्टर का नाम है सिद्धार्थ का गृह त्याग। तो गौतम बुद्ध का नाम, पहले का नाम जो है सिद्धार्थ था, तो उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। गौतम बुद्ध के बारे में, एक समय था जब गौतम बुद्ध शादीशुदा जीवन को छोड़कर और एक अच्छी ज़िंदगी को छोड़कर चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। गौतम बुद्ध के बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जब ये ईस्वी सन जो चल रहा है उससे 563 ईस्वी पहले हुआ था। और उनकी माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था सुद्योधन, और उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि आज के समय में नेपाल में है, और लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तो इस तरह से उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है यशोधरा, और उनके बेटे का नाम जो है राहुल था। तो यहाँ पे इस चैप्टर को एक एकांकी के रूप में, प्ले के रूप में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट सीन दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ परिचय पात्र दे दिया है। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के युवराज हैं, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी है, छंदक इसमें तीन पात्र हैं, तो उन तीनों के बारे में बताया गया है। सिद्धार्थ का विश्वस्त सेवक है, उनका सेवक है छंदक, जो कि उनको छोड़ने के लिए जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सीन जो है, प्रथम दृश्य यहाँ पे दिया हुआ है, यशोधरा सियन कक्ष में पुत्र राहुल के साथ लेटी हुई है। कक्ष में दीपक जल रहा है, कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुलता है, वो अपने बच्चे को सुलाने का प्रयास कर रही है। छोटे बच्चे अक्सर रात में कभी कभी परेशान करते हैं, सोते नहीं हैं, तो उनको सुलाया जाता है, ज़्यादा समय लगता है उसमें। तो यशोधरा चौंकते हुए बोल रही है कि वो वहाँ पे जो है सिद्धार्थ आ रहे हैं, धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। यशोधरा बोलती है, कौन? सिद्धार्थ। क्या चौंक गई यशोधरा? यशोधरा क्या बोल रहे हैं, आर्य पुत्र अभी सोए नहीं? इतनी रात हो गई, अभी तक आप सोए नहीं हैं? तो सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, यशोधरा आज तक तो मैं सोया ही था, अब तो जागने की बेला आ गई है। यशोधरा क्या बोल रहे हैं, क्या प्रातः हो गया? सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, शायद हो जाए, पर तुम क्यों नहीं सोई? यशोधरा बतला रही है, राहुल अभी तो सोया है, मतलब इतना समय उसको सुलाने में लग गया, तो फिर अभी जब बच्चा सो जाएगा तभी माँ सोएगी। इस तरह से वो जवाब देती है कि अभी राहुल सोया है, इसके बाद मैं सोऊंगी, लेकिन आप क्यों नहीं सोए? तो बतलाओ, तो अपनी बातें कर रहे हैं कि मैं अभी तक तो सोया हुआ था, अब जागने का समय आ गया है। तो इसका मतलब है कि वो मन में ठान चुके हैं कि अब वो सब कुछ छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है, सिद्धार्थ बोल रहे हैं, अच्छा तुम भी सो जाओ, मैं चलता हूँ। यशोधरा, स्वामी बैठिए, वो बैठने के लिए आग्रह कर रहे हैं। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, यशोधरा जागने के बाद फिर बैठा नहीं जाता, मतलब अब मैंने जो ठान लिया है, अब उसके बाद फिर से बैठना, समय को यूं ही गंवाना उचित नहीं है। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा तो मन घबरा रहा है। अब वो इस तरह की बातें बोल रहा है तो इसको समझ में नहीं आ रहा है यशोधरा को, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा मन तो घबरा रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, यह तुम्हारा मोह है, मैं तो देखने आया था कि तुम संतुष्ट हो या नहीं। राहुल तुम्हारे अंक में सुख की नींद सो रहा है, तुम भाग्यवती हो यशोधरा। वो तो देखने के लिए आए थे, मोह माया तो उनको तो पता चल ही चुका है, संसार जो है मोह माया के बंधनों में बंधा हुआ है, तो इसीलिए उस माया को तोड़ कर वो बाहर निकलना चाहते हैं, दुनिया की सच्चाई को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो बतला रहे हैं कि जिस माँ का बच्चा उसकी गोद में सोया हुआ है, वाकई में वो भाग्यवती होती है, कि तुम भी भाग्यवती हो। तो यशोधरा क्या बोल रही है, आपको पाकर भी मैं भाग्यवती ना हुई तो फिर, कि मैं आपको पाई हूँ, मतलब आपसे मेरा विवाह हुआ है, तो मैं तो भाग्यवती हुई ही। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कई बार हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाकर उतने भाग्यवान नहीं बनते जितने उसे खोकर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा कर ले, वही उसका सबसे बड़ा भाग्य है। तो यहाँ पे अब उसको खोना है, मतलब सिद्धार्थ जो है यहाँ से निकल के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो इसमें खोना पड़ेगा, और पाने से वो खोना ज़्यादा बड़ा है, इस चीज़ को वो बतला रहे हैं। लेकिन यशोधरा अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए यशोधरा क्या बोल रही है, क्या तात्पर्य है आपके कथन का, मतलब आपके कहने का क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, सब कुछ आज ही जान लेना चाहती हो, अब तुम सो जाओ, अभी तो उसको पता नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आज सब जानने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर पता चल ही जाएगा। यशोधरा, जैसी आर्य पुत्र की इच्छा, और फिर वो सो जाती है। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, मैं तो जागना चाहता हूँ ताकि संसार के लोगों को जगा सकूँ, अब चलने की तैयारी करता हूँ। वो स्वयं से बोल रहे हैं, स्वगत, मतलब अपने से बोल रहे हैं कि मैं
अब जागना चाहता हूँ, मतलब अब ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ और लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ। और फिर सिद्धार्थ वहाँ से चले जाते हैं। यह फर्स्ट सीन जो होता है वो खत्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन यहाँ पे स्टार्ट होता है। द्वितीय दृश्य, सूर्योदय हो रहा है, नदी तट पर सिद्धार्थ अपने सेवक छंदक के साथ खड़े हैं। सिद्धार्थ जो है वहाँ से घर से निकल चुके हैं, घर को त्याग चुके हैं और अपना एक सेवक को लेकर त्याग चुके हैं और अंत में उस सेवक को भी वापस लौटा देते हैं। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, छंदक यह नदी कपिल वस्तु राज की सीमा है ना, उसको पूछ रहे हैं कि ये नदी जो है इस राज का सीमा है, मतलब इस नदी को अगर हम पार करते हैं तो इस राज को, इसकी सीमा को हम लोग पार कर जाएंगे। तो फिर छंदक जवाब देता है, हाँ प्रभु, अब आप शीघ्र ही लौट चलिए। अब वो बार बार जो है वहाँ पर आग्रह कर रहा है कि आप घर लौट चलिए। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, सुनो छंदक, मैं अब लौटूंगा नहीं। छंदक क्या बोल रहा है, क्या कहा महाराज, क्या आप, यहाँ पे सिद्धार्थ बोल रहे हैं, मैं इस शरीर के रोग जन्म मरण से मुक्ति का उपाय खोजना चाहता हूँ। जो एक बार घूमने के लिए जो अपने महल से निकले थे और जिन चीज़ों को उन्होंने देखा था, कष्टदायी चीज़ें जो दुनिया में हैं, रोग हैं, जन्म तो होता है, मृत्यु भी होता है, तो जन्म भी क्यों होता है और मृत्यु भी क्यों होता है, रोग क्यों होता है, इस तरह की चीज़ें जो दुनिया में चलती आ रही है उसका क्या उपाय है, उससे हम कैसे छूट सकते हैं। तो इसका उपाय खोजने के लिए सिद्धार्थ जाना चाहते हैं, अपने राजसी वस्त्र उतारते हैं। तो इस तरह के वस्त्र पहन के वो, एक राजकुमार का वस्त्र पहन के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए उस वस्त्र को त्याग देते हैं। लो ये राजसी वस्त्र, महाराज को लौटा देना। महाराज उनके पिता हैं, उनको लौटाने के लिए कह रहा है चंदक। यह क्या कर रहे हो प्रभु, क्या आप ये क्या कर रहे हैं। वो तो बार बार उनको घर वापस चलने की प्रार्थना कर रहा है। सिद्धार्थ, मैं आज से तुम्हारा प्रभु नहीं, आज मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं भिक्षुक का जीवन बिताऊंगा। भिक्षुक मतलब साधु संत, उसका जीवन बिताने की बात कर रहे हैं। साधु संत भिक्षा मांगकर ही भोजन क्या करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं और ज्ञान प्राप्त होने पर दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, यही उनका काम होता है। पहले भिक्षा मैं तुमसे मांगता हूँ, और फर्स्ट जो भिक्षा है उन्हीं से मांग रहे हैं, अपने सेवक छंदक से। तो छंदक क्या करता है, फुट फुट कर रो पड़ता है और सिद्धार्थ के चरणों में गिर पड़ता है। यह क्या कर रहे हैं महाराज, तो उन्हीं से भिक्षा मांग रहे हैं। उनको तो पता चल नहीं रहा है कि छंदक को लग रहा है कि सिद्धार्थ काफ़ी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, इसीलिए वह काफ़ी रो रहा है। आगे क्या है देखते हैं। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, मुझे महाराज मत कहो छंदक, सिद्धार्थ कहो, मेरा कहना मानोगे। तो छंदक को क्या आज्ञा कर रहा है, छंदक क्या बोल रहा है, आज्ञा करे प्रभु। सिद्धार्थ, नदी से जल लाकर मेरे ये राजसी केस काट दो। तो नदी वहीं पे नदी था, उसी से पानी लाकर अपना बाल काटने के लिए बोल रहे हैं। छंदक उनके बाल काट देता है। सिद्धार्थ, जाओ छंदक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वास्तव में मेरे विश्वास पात्र रहे, यदि मैं सिद्धि प्राप्त कर सका तो कभी लौटूंगा, अब जाओ। यहाँ से छंदक को वापस भेज देते हैं कि मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला हूँ, यदि मैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर सका तो मैं फिर से वापस लौटूंगा, और उसको जाने के लिए कह देते हैं। छंदक फिर क्या बोल रहा है, प्रभु अब भी लौट चलिए, जैसे कि वो बोल रहा है कि अभी भी समय है कि वापस लौट चलिए। लेकिन सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, जाओ छंदक, अब देर ना करो। वो तो मन में दृढ़ विश्वास ले चुके हैं, दृढ़ता उनके मन में आ चुकी है कि अब हमें ज्ञान के खोज में जाना है, इसीलिए उनको वापस भेज देते हैं। और छंदक जो है रोते हुए घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। सिद्धार्थ अब अपने आप से क्या बोल रहे हैं, स्वगत, सिद्धार्थ उठो और आगे बढ़ो, तुम्हें मानव जाति को कष्टों से मुक्ति दिलानी है, जब तक सिद्धि ना मिले तब तक चलते चलो, चलते चलो। यह लाइन बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों को देती है कि जब तक हम जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं और उद्देश्य जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें चलते रहना चाहिए। हमें मन में ये नहीं लाना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा, बस हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है और चलते जाना है। ये चीज़ यहाँ पे बतलाया जा रहा है, यही जीवन का मूल मंत्र है, जीवन में सफलता पाने का मूल मंत्र यही है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, और शब्दार्थ ज़्यादा नहीं है, आप एक दो बार पढ़ने से वैसे भी आप लोगों को याद हो जाएगा। नॉर्मली जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया उत्तर दीजिए, और ये इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है। सिद्धार्थ कौन थे, तो सिद्धार्थ कपिल वस्तु के युवराज थे। सिद्धार्थ की पत्नी और पुत्र का नाम लिखो, तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ क्यों जाग रहे थे, क्योंकि अब वो अपने मन में ठान चुके थे ज्ञान प्राप्ति के लिए और दुनिया को ज्ञान देना चाहते थे, इसीलिए जाग रहे थे। तो इसका
तो मैं इसका आंसर जो है इसके बाद में दे देता हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। और यहाँ पे एकांकी है, तो यहाँ पे एक नाटक करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इस तरह का नाटक कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। और यहाँ पे फोर नंबर में भाव स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, जागने के बाद फिर बैठा नहीं जाता, इसका क्या अर्थ है? कई बार हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाकर उतने भाग्यवान नहीं बनते जितने उसे खोकर, इसका क्या अर्थ है? और यहाँ पे भाषा अध्ययन, यहाँ पे जैसे कि चिन्ह लगाने के लिए बोल रहा है, कहाँ पे अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो यहाँ तीन प्रकार का चिन्ह लगाने के लिए कहा जा रहा है। कौमा हो गया और फुल स्टॉप इस तरह से यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को इसको बनाकर दे दूंगा। इसके आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर टू में उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है, यदि तुम जागोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उसको छोटा करके लिखा गया है, जागे बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से इस वर्ड को जो लंबा लिखा हुआ है इसको थोड़ा छोटा करके बनाना है। और इसके आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वह सोता ही नहीं था, उसका कोई कसूर भी न था। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं फोर नंबर में। और लिंग बदलो, तो भाग्यवान भाग्यवती इस तरह से यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग करना है। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को कंप्लीट करके दे देता हूँ। यह है चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ कपिल वस्तु के युवराज थे। सिद्धार्थ की पत्नी और पुत्र के नाम लिखो। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ क्यों जाग रहे थे? सिद्धार्थ अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर चुके थे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए वे सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए वे जाग रहे थे। यशोधरा ने अब तक सो ना पाने का क्या कारण बताया? यशोधरा राहुल को सुलाने का प्रयास कर रही थी और वह अभी अभी सोया था, इसलिए वह अब तक सो नहीं पाई थी। सिद्धार्थ ने यशोधरा को भाग्यवती क्यों बताया? सिद्धार्थ के अनुसार जिस स्त्री के गोद में उसका बच्चा सुख की नींद सो रहा हो वह भाग्यवती स्त्री होती है। राहुल को यशोधरा के गोद में सोते देख सिद्धार्थ ने उसे भाग्यवती कहा। छंदक से सिद्धार्थ ने क्या कहा? छंदक से सिद्धार्थ ने कहा, तुम वास्तव में मेरे विश्वास पात्र रहे, यदि मैं सिद्धि प्राप्त कर सका तो कभी लौटूंगा, अब जाओ। इस एकांकी से सिद्धार्थ के मन की कौन सी भावना उभरती है? इस एकांकी से सिद्धार्थ के मन की विश्व कल्याण और मानव कल्याण की भावना उभरती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, जहाँ पे भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, जागने के बाद फिर बैठा नहीं जाता। उपयुक्त पंक्ति का आशय यह है कि सिद्धार्थ अपने मन में यह बात ठान चुके थे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए वे सब कुछ त्याग देंगे। सब कुछ जानने के बाद भी महल में रुकना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि जागने के बाद फिर बैठा नहीं जाता। कई बार हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाकर उतने भाग्यवान नहीं बनते जितने उसे खोकर। उपयुक्त पंक्ति का आशय यह है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को पाकर हम मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। अतः हमें सांसारिक बंधन त्याग कर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। इसके आगे यहाँ पे भाषा अध्ययन से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन, जहाँ की विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जा रहा था, अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पे लगाया गया है, जैसे कि यहाँ प्रश्नवाचक, यहाँ पूर्ण विराम और यहाँ पे कॉमा लगाया गया है, जिसको अल्प विराम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर टू में जिस प्रकार का सेंटेंस बनाया हुआ था तो उसको देखकर इसको बनाना था, तो ये आंसर डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है। परिश्रम किए बिना आप पास नहीं होंगे, दवा पिए बिना तुम स्वस्थ नहीं होगे, दूध पिए बिना बालक ताकतवर नहीं बनेगा, सोए बिना रोगी को आराम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फोर में लिंग बदलो दिया गया है, जिसमें दिया गया है भाग्यवान का भाग्यवती, राजकुमार का राजकुमारी, महाराज का महारानी, पुत्र का पुत्री, पति का पत्नी और सेवक का सेविका। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।